हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे जिमीकंद, यानी कि उसे सूरन बोलते हैं, सूरन की सब्जी। देखिए, मैंने मसाला बना लिया है। तो सबसे पहले हम तड़का लगाएंगे इसको। प्याज लहसुन हरी मिर्च का मैंने तड़का बना लिया है। तो ये देखिए, हम तड़का लगा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टमाटर मैं काट रही हूँ। तड़का मैंने लगा लिया है। जिमीकंद को मैंने हल्का सा काट के फ्राई करके रखा हुआ है। उसको धो के काट के छिलके नमक लगा के उसके बाद फ्राई कर लेंगे। ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब उस पर नमक डाल के थोड़ा सा कर देंगे ताकि टमाटर रोस्ट हो जाए, गल जाएंगे जल्दी। ये टमाटर गल गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं, ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। स्वाद अनुसार आप मसाला डालिए। अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जब तक मसाला अच्छे से भून जाएगा, 5-10 मिनट इसे पका लीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये देखिए, मसाला भून गया है। हल्का सा पानी डाल दीजिए। आप इसमें जिमीकंद सूरन की सब्जी डाल दीजिए जो फ्राई करके रखी हुई थी। और बस आपकी ग्रेवी तैयार है। सूरन को काट के मैंने फ्राई करके रख लिया था। ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं, बस आपकी सब्जी रेडी है। हरी धनिया डाल के सर्व करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। गुड नाइट।